हेलो एवरीवन, दिस इज़ विजेता। आज फिर मैं आप लोगों के लिए कुछ करंट अफेयर्स लेकर आई हूँ। ये करंट अफेयर्स 1 जून 2020 से 6 जून 2020 तक के सप्ताह के हैं। इसमें मुख्य रूप से परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह और अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन इत्यादि शामिल हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। ऑस्ट्रेलिया ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG में भारत को सदस्यता देने का मजबूत समर्थन किया। बयान में कहा गया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय नागरिक परमाणु सहयोग जारी रखने और वैश्विक परमाणु अप्रसार को और मजबूत करने के लिए अपनी वचनबद्धता दोहराई। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में भी संबंध मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। बयान में कहा गया है कि दोनों देश जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्र तथा दुनिया के लिए महत्वपूर्ण अन्य मुद्दों पर साझेदारी जारी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। भारत को एशिया प्रशांत सीट से जीतने का आश्वासन दिया गया है, क्योंकि इस क्षेत्र से भारत एकमात्र दावेदार होगा। गैर स्थायी श्रेणी में एशिया प्रशांत सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी को वर्ष 2019 में पाकिस्तान और चीन सहित 55 सदस्यीय एशिया प्रशांत समूह द्वारा सर्वसम्मति से समर्थन दिया गया था। UNSC के चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा के हॉल में होते हैं, जहां संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देश गुप्त मतदान के माध्यम से अपना वोट डालते हैं। वर्तमान में UNSC में सिर्फ 5 संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन और फ्रांस वीटो पावर का इस्तेमाल करने वाले स्थायी सदस्य हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस समिट में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन गावी को हमारा समर्थन केवल वित्तीय नहीं है, हमारा उद्देश्य मानवता की सेवा है। आज के चुनौतीपूर्ण समय में भारत विश्व के साथ एकजुटता से खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की सभ्यता दुनिया को एक परिवार के रूप में देखना सिखाती है। इस समिट का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय टीका गठबंधन यानी गावी के लिए 7.4 अरब डॉलर एकत्रित करना और आने वाली पीढ़ियों को टीके के जरिए सुरक्षित रखने जैसा है। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए घोषणा किया कि वो अगले 5 साल में $15 मिलियन की मदद करेंगे। विश्व में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण और बढ़ रहे ग्लोबल वार्मिंग की चिंताओं के चलते विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत की गई थी। इस दिन पूरी दुनिया में लोगों को प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए जागरूक किया जाता है। इनमें प्रकृति के प्रति चिंता और संरक्षण की भावना भी निहित है। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया था। इस वैश्विक कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक और राजनीतिक चेतना और वैश्विक सरकारों के माध्यम से पर्यावरण के प्रति जागरूकता और प्रकृति और पृथ्वी के संरक्षण को केंद्र में रखते हुए विश्व के देशों में राजनीतिक चेतना जागृत करना था। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पहले पर्यावरण दिवस पर भारत की प्रकृति और पर्यावरण के प्रति चिंताओं को जाहिर किया था। कोलकाता बंदरगाह एक प्रमुख बंदरगाह होने के साथ नदी के किनारे स्थित देश का पहला बंदरगाह है। कोलकाता पोर्ट की गिनती देश के सबसे बड़े बंदरगाह में होती है। यह बंदरगाह ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है। 17 अक्टूबर 1870 से ही ये ट्रस्ट के तहत है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में हुआ था।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट में उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। उन्होंने नई राजनीतिक पार्टी भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी और इन्हीं के नाम पर ये कोलकाता बंदरगाह का नाम रखा जाएगा। बासु चैटर्जी के निधन की खबर सोशल मीडिया पर लहर की तरह दौड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिनेमा जगत के तमाम दिग्गज फिल्मकारों और सेलिब्रिटीज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बासु चैटर्जी के जाने का शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि बासु चैटर्जी के निधन के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। बासु चैटर्जी फिल्म छोटी सी बात और रजनीगंधा जैसे अपनी बेहतरीन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड और 1 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सम्मान पाने वाले बासुदा ने कुछ बंगाली फिल्मों का भी निर्देशन किया था। बासु चैटर्जी का निधन मनोरंजन जगत के लिए अपूर्णनीय क्षति है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कोरोना वायरस संकट के दौरान सरकार ने किसानों के हित में फैसले लिए। केंद्र सरकार कृषि उत्पादन ट्रेड और कॉमर्स यानी संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी, जो वन इंडिया वन एग्रीकल्चर मार्केट बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। किसानों की उपज को अच्छा मूल्य उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त विकल्प प्रदान करने को एक केंद्रीय कानून द्वारा तैयार किया जाएगा। इससे बाधा रहित अंतरराज्यीय व्यापार और कृषि उपज के ई ट्रेडिंग की रूपरेखा तैयार की जा सकेगी। ऐसा हो जाने के बाद किसान अपनी उपज को कहीं भी बेच सकेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने G7 में भारत सहित अन्य महत्वपूर्ण देशों को शामिल करने हेतु इसका विस्तार करने की इच्छा जताई। G7 शिखर सम्मेलन के लिए भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को आमंत्रित करने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना पर चीन ने हाल ही में नाराजगी भरी प्रतिक्रिया जताई है। G7 दुनिया की शीर्ष 7 विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था सहित विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के लिए इन देशों के प्रमुखों की हर साल बैठक होती है। लॉकडाउन के कारण रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पीएम स्वनिधि योजना का लाभ रेहड़ी पटरी वालों और छोटी मोटी दुकान लगाकर आजीविका चलाने वालों को मिलेगा। इस योजना के तहत सरकार इन लोगों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए मदद करेगी। इस योजना को लागू करने में शहरी स्थानीय निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस तरह के ऋण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्तीय बैंकों, सहकारी बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं और स्वयं सहायता समूह बैंकों द्वारा प्रदान किए जाएंगे। मनोज तिवारी को 2016 में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की तरफ से जारी नियुक्ति पत्र में कहा गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आदेश पर मनोज तिवारी की जगह आदेश गुप्ता को दिल्ली का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है। आदेश गुप्ता NDMC स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य भी रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा और भाजपा में कई पद पर रह चुके हैं। उन्हें चुनावी राजनीति की शुरुआत महज 3 साल पहले ही की है। साल 2017 में वेस्ट पटेल नगर से पहली बार नगर निगम का चुनाव जीतकर पार्षद बने।
उन्हें साल 2018 में उत्तरी दिल्ली नगर निगम का महापौर बनाया गया। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इफ़ इट इज़ सो, प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट फॉर फर्दर वीडियोज़। थैंक यू।